हाल ही में जम्मू कश्मीर और उसके बाद हरियाणा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आयोग हमारे सारे सहकर्मी वहां गए थे और एक बहुत ही नायाब किस्म का एंथुजियाज्म और डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक 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 ललक एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। एवरीबडी वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट, प्रूव ए पॉइंट दैट वी आर हियर इन दिस क्यू नॉट ओनली टू वोट बट टू डिमॉन्स्ट्रेट ए वेरी स्ट्रांग डिजायर दैट डेमोक्रेसी फ्लरिशेज इन दिस एरिया। और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की तीन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।